सो हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल बैक टू वन मोर फ्रेश वीडियो ऑफ दिस चैनल। सो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट और चाइनीज़ एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में, या मैं कहूँ पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। सो यहाँ पे हम नंबर्स के अलावा कुछ चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया जाता है कि उनके नंबर्स जो है वो हमसे ज़्यादा है, इसी वजह से हमारी एयरफोर्स उनकी कंपैरिजन में वीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे जो रियलिस्टिक या मैं कहूँ प्रैक्टिकल जो चीज़ें उनको यहाँ पे सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो वीडियो की हम शुरुआत करने के थोड़ा पहले नंबर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कैटेगरी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो पहले हम आ जाता है हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्ट, हमें कहूँ फ्लैंकर्स के बारे में। तो दोनों ही कंट्रीज़ जो है फ्लैंकर्स यूज़ करती है, जो कि रशियन फ्लैंकर्स है। इंडिया की बात करें तो इंडिया सुखोई SU-30 MKI यूज़ करती है एक बड़े नंबर में, एंड इवन SU-30 MKI इज़ द बैकबोन एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अभी हमारे पास करीबन 272 एक्टिव सर्विस में मौजूद है, एंड इसके 12 जो ऑर्डर है इसके रिसेंटली प्लेस किए गए थे 2020 में। अगर हम बात करें चाइनीज़ एयरफोर्स की, तो चाइनीज़ एयरफोर्स में आपको SU-30 MKI, SU-27, चेंगडू J-11 के वेरिएंट्स एंड चेंगडू J-16 ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चेंगडू J-11 और चेंगडू J-16 जो फाइटर एयरक्राफ्ट से, ये रशियन SU-30 MKI एंड SU-27 का चाइनीज़ कॉपी है। यहाँ पे चाइना ने अपने तरफ से इसको मॉडिफाई किया है, एंड जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पे हम इनको एक ही कैटेगरी में डाल रहे हैं, जो कि है फ्लैंकर्स की कैटेगरी में। तो यहाँ पे फ्लैंकर्स की हमने बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। तो यहाँ पे इंडिया यूज़ करता है डसॉल्ट राफाल, मिकॉय MiG-29 UPG जो कि अपग्रेडेड स्टैंडर्ड है। फिर आ जाता है हमारा मिराज 2000, एंड हमारे पास मौजूद है जैगुआर फाइटर बॉम्बर्स, एंड इवन हमारा अपकमिंग तेजस मार्क टू भी एक मीडियम वेटर फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। अगर हम चाइनीज़ एयरफोर्स की बात करें तो वो चेंगडू J-10 के वेरियंट्स को यूज़ करती है, एंड काफ़ी बड़े नंबर में यूज़ करते हैं, करीबन 235 के नंबर में चाइना यूज़ करते हैं इन एयरक्राफ्ट को। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास करीबन 50 मिराज 2000 जहाज मौजूद है, 64 MiG-29 UPG मौजूद है, एंड 21 जो है रिसेंटली ऑर्डर्स के प्लेस किए गए हैं। बाकी आपके जगुआर बॉम्बर्स की बात करें तो वो 118 नंबर में मौजूद है, एंड तेजस मार्क टू है तो वो अभी तक आया नहीं है, तो उसके बारे में अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। तो उसके बारे में इसका नंबर्स हम डिसाइड नहीं कर सकते, करीबन 170 यूनिट्स इसके लेने हैं फ्यूचर में, लेकिन देखते ये बातें अगर कहाँ तक चलती है। तो अब हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपके सामने लाके रहेंगे। देखिए, चाइना या फिर इंडिया का अगर जंग होता है तो वो इस टेरेन में होगा, यानी कि लद्दाख एंड तिब्बत का जो टेरेन है, तिब्बत एंड लद्दाख का जो टेरेन है, उस टेरेन में ये जंग पॉसिबली होगा, और यहीं पे होगा, और कहीं पे होने का तो सवाल उठता नहीं है, क्योंकि हमने बॉर्डर चाइना से इसी साइड में शेयर करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या एक्चुअली डिफरेंस क्या आता है? तो डिफरेंस देखिए, एक्चुअली एक नॉर्मल सिनेरियो में आपके जो एयरक्राफ्ट है वो पूरे अपने पेलोड के साथ टेक ऑफ या लैंडिंग करने में, यानी कि अपना जो ऑपरेशन है वो फुल अपने फुल पोटेंशियल में कर सकते हैं। लेकिन लद्दाख या तिब्बत का जो एरिया है या मेरे टेरिटरी जो है वो थोड़ा चेंज है, एंड थोड़ा अलग है कम्पेयर टू अवर नॉर्मल एरियाज़ जहाँ हमारी फाइटर जेट्स ऑपरेट करती है। लद्दाख के एरिया में एयर जो है वो बहुत ज़्यादा थीन हो जाती है, यानी कि एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थीन होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपके इंजन्स होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के वो अपने फुल थ्रस्ट को जनरेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपके जो पेलोड कैपेसिटी है वो आपको रिड्यूस करना पड़ता है। थैंकफुली इंडिया अपने सारे एयरबेसिस से अपने जो एयरक्राफ्ट है वो अपने फुल पेलोड कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि हमारे जितने भी एयरबेसिस मौजूद है जो कि चाइना बॉर्डर से लगते हैं वो सारे ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे आपको इस तरीके की आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस का सामना नहीं करना पड़ता, यानी कि आपके नेचुरल कंडीशंस वहाँ पे मौजूद है। लेकिन चाइना के साइड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना अपना जो तीन इंपॉर्टेंट एयरबेसेस यूज़ करते हैं इंडिया को काउंटर करने के लिए, वो आपका जाते हैं होटान एयरबेस, खारदोंगसा एयरबेस एंड काशगर एयरबेस। ये तीनों एयरबेसेस आपके शिनजियांग एंड तिब्बत के एरिया में आते हैं, जबकि एक तरीके से मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा एक टेरिटोरी है, जहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट जो है अच्छे से अपना पेलोड कैपेसिटी के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया को एक क्लियर कट एडवांटेज देखने को मिल जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, तो चाइना मोस्टली अपने फ्लैंकर्स को यूज़ करती है एक बड़े नंबर में। उनके पास चेंगडू J-10 एक लौता फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, 235 के नंबर में ये
ऑपरेट होते हैं। उसके काउंटर में इंडिया के पास मिराज 2000, MiG-29 UPG एंड डसॉल्ट रफाल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है जो इसके क्वालिटी से कई गुना आगे है। लेकिन हालांकि नंबर इंडिया के पास थोड़ा कम है कंपेयर टू चाइनीज एयरफोर्स, लेकिन जो क्वालिटी है वो इंडियन एयरफोर्स के पास टॉप ग्रेड होती है और वो कहीं नहीं टिकता चेंगडू जे10 इस कैटेगरीज को मैच करते हुए कहीं नहीं टिकता है। तो यहाँ पर भी इंडिया को एक क्लियर कट एडवांटेज होता है। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो इंडिया का जो SU-30 MKI है या फिर चाइनीज़ के जो फ्लैंकर्स होते हैं वो अपने एक्चुअली फुल कैपेसिटी के साथ वहाँ उस टेरेन में यानी कि लद्दाख जैसे टेरेन में या मैं कहूँ तिब्बत जैसे टेरेन में ऑपरेट नहीं कर पाते क्योंकि इंजन्स जो होते हैं वो सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं दे पाते हैं। एंड आपका जो एयरक्राफ्ट है इतना भारी भरकम एयरक्राफ्ट होने के बावजूद इतना थ्रस्ट जो है वो जनरेट नहीं कर पाता है, इसी वजह से जो ओवरऑल एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होता है। इंडिया का साइड थोड़ा कम होता है लेकिन फिर भी SU-30 MKI इज ऑल्सो फ्लैंकर, सो यहाँ पे भी इंडिया को हल्का हल्का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो बेस्ट यहाँ पे जो फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं वो आपके छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं जिनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो अच्छा है। इसी वजह से अगर MiG-29 को यहाँ पे रखा जाता है इंडियन एयरफोर्स की तरह या फिर डसॉल्ट रफाल को रखा जाता है तो वो इजीली काउंटर कर पाएंगे चाइनीज़ फ्लैंकर से, जैसे कि जिसमें आपका चेंगडू J-11 उसके वेरियंट्स और चेंगडू J-16 वगैरह ये सब आ जाते हैं। सो गाइस आई होप आपको जो वीडियो कंसेप्ट है अच्छे समझ में आया होगा। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडिया डिफेंस 99। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद।